नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको चाय बनाना सिखाएंगे। चाय तो आप बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन जब भी आप चाय बनाए होंगे दूध से बनाए होंगे। आज हम आपको चाय मिल्क पाउडर से बनाना सिखाएंगे। मिल्क पाउडर से भी चाय बहुत अच्छा बनता है, तो चलिए आज मिल्क पाउडर से चाय बनाते हैं। बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट चाय बनाने के लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर, चीनी, चाय की पत्ती, छोटी इलायची, ग्रेट किया हुआ अदरक। तो चलिए चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमने सॉसपैन में पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी में अच्छा उबाल आने देंगे। पानी अच्छी तरह बॉयल होने लगा है। अब हम एक गिलास में थोड़ा सा पानी निकालेंगे। एक गिलास में हमने आधा पानी निकाल लिया है। अब उसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और घोल लेंगे 1 चम्मच और। घोलने के बाद इस दूध को डालेंगे सॉसपैन में। दूध और पानी को बॉयल होने देंगे। दूध और पानी अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट हो तो बिना चीनी डाले ही चाय बनाइए, क्योंकि मिल्क पाउडर में पहले से भी मिठास होता है। और अब डालेंगे चाय की पत्ती और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और अब डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, इलायची पाउडर। सभी सामग्री के साथ चाय को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर चाय को 5 मिनट पकाया है। चाय बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर से चाय बनकर तैयार है। अगर आपके घर में दूध ना हो और आपका चाय पीने का मन कर रहा हो, तो आप कभी भी मिल्क पाउडर से बिल्कुल बढ़िया चाय बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।